दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल रॉयल लूट। तो मैं हूँ प्रिया और आज हम बात करेंगे साउथ गोवा। तो साउथ गोवा कैसे पहुँचेंगे और वहाँ पे साइट सीन करने के लिए क्या क्या प्लेसेस है, कैसे पहुँचना है, कैसे घूमना है, बजट कितना है, ऑल डिटेल्स आज मैं शेयर करूंगी। अगर आप ट्रेन से ट्रेवल करना चाहते हो तो वास्को द गामा है रेल स्टेशन। ज्यादातर लोग वास्को द गामा के लिए ही टिकट बुक करते हैं, लेकिन अगर आप साउथ गोवा के लिए ट्रेवल करना चाहते हो तो कोलेम स्टेशन बेस्ट होती है, वो नजदीक ही पड़ता है। अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल करना चाहते हो तो दो एयरपोर्ट है गोवा के लिए, एक है डब्ल्यू एयरपोर्ट और एक है मोपा एयरपोर्ट। तो साउथ गोवा के लिए डब्ल्यू एयरपोर्ट नजदीकी पड़ता है और नॉर्थ गोवा में मोपा एयरपोर्ट पड़ता है। तो मोपा एयरपोर्ट से आप साउथ गोवा के लिए टैक्सी बुक कर सकते हो, लेकिन आप एयरपोर्ट से कभी भी बुक मत करना क्योंकि रेट बहुत ज्यादा हाई होती है। तो इसीलिए आप वहाँ पे गोवा माइल्स ऐप डाउनलोड करके बहुत सस्ती एकदम चीपेस्ट प्राइस में आप पहुँच सकते हो। तो मैंने जब एयरपोर्ट में साउथ गोवा के लिए प्राइस पूछा था तो उन्होंने बताया था 4,500, बट हमने जब गोवा माइल्स ऐप डाउनलोड करके वहां से बुकिंग किया तो हमें रेट पड़ा 2,800 ओनली। हम लोग जो कि कोलकाता से ट्रेवल कर रहे थे तो हम लोगों ने मोपा एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट लिया था। मोपा एयरपोर्ट नॉर्थ गोवा में पड़ता है, तो नॉर्थ गोवा टू साउथ गोवा पहुंचने में हमें टाइम लग गया लगभग 2.5 से 3 घंटा, मतलब हमें पहुंचने में 3-4 बज चुके थे। तो डे वन में ज्यादा कुछ आप कर नहीं पाओगे, तो आराम से होटल चेकिंग करके वहीं पे टाइम स्पेंड कर लो। रूम रेट स्टार्टिंग होती है 1,000 से, तो आप कहीं भी कोई भी रूम बुक कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे रूम मिल जाती है। तो हमने जो कि ये रूम बुक किया था ये बीच साइड था, तो इसीलिए ये रूम हमें पड़ा था 2,800 पर डे के हिसाब से। रूम लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हो। तो मैंने जो रूम बुक किया था ये सी व्यू था और इसकी ब्यूटी बहुत, मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल था। आप देख सकते हो कमाल की व्यू है और मैं मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी ये रूम देख के। फिर रूम चेकिंग करके आप आराम से फ्रेश हो जाओ और फ्रेश होके अपना लंच वंच कंप्लीट कर लो और लंच कंप्लीट करके पहुंच जाओ बीच साइड एंजॉय करने बहुत सारे फोटो सेल्फीज के लिए। और यहाँ पे सनसेट भी काफ़ी ब्यूटीफुल है, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो यहाँ पे आराम से। तो डे टू के लिए आप थोड़ा खाना वाना स्नैक्स वगैरह ले लेना अपने साथ, इसीलिए रात को ही पैकिंग कर लो। मतलब थोड़ा स्नैक्स वगैरह बाहर मिल जाती है आराम से, तो आपको जो भी चाहिए आप वहाँ पे खरीद लो। और रात के डिनर के लिए आप बाहर से ही खाना ले सकते हो क्योंकि होटल पे बहुत ज़्यादा रेट होती है, लेकिन अगर आप होटल में खाना चाहते हो तो होटल में भी खा सकते हो। हमने भी अपना डिनर होटल में ही कंप्लीट किया था, उन्होंने हमारे लिए टेबल अरेंज कर दिया था। तो सुबह सुबह वेदर को फील करते हुए उठ जाओ और डे टू के लिए रेडी हो जाओ और बिना टाइम वेस्ट किए होटल में अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लो और निकल जाओ साइट सीन के लिए। तो डे टू में आप सबसे पहले विजिट कर सकते हो बटरफ्लाई बीच, काफी खूबसूरत बीच है। देन आप विजिट कर सकते हो काबुदरामा फोर्ट, जो काफी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल जगह है। आप बहुत सारे टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो और ये हिस्टोरिकल जगह भी है, तो आप आराम से यहाँ विजिट कर सकते हो। देन आप चले जाओ कोला बीच सनसेट पॉइंट, साउथ गोवा की बेस्ट सनसेट पॉइंट है कोला बीच। तो आप यहाँ से आराम से सनसेट देखो और ब्यूटीफुल टाइम अपना स्पेंड करो।
तो डे टू की जर्नी स्टार्ट करने से पहले आप एक स्कूटी रेंट पे ले लो। आप जितने दिन भी रुकना चाहते हो, 3 days, 4 days, उतने दिन के पार डे के हिसाब से आप अपना स्कूटी बुक कर लो। तो आप अपने होटल वालों को बोल सकते हो, तो वो स्कूटी आपको रेंट पे दे देते हैं अरेंज करके, और पर डे 400 में स्कूटी और 500 में बाइक आपको आराम से मिल जाती है। हाँ, और स्कूटी और बाइक बुक करते पहले ही आप अपने स्कूटी में पेट्रोल ज़रूर डलवा लीजिए, जितने भी आपको डलवाना है। फिर पहुंच जाओ बटरफ्लाई बीच। तो बटरफ्लाई बीच एंट्री होने से पहले 50 rupees आपको पार्किंग चार्ज देना पड़ता है, फिर आप आराम से पहुंच जाओ। यहाँ पे रोड बहुत ख़राब है, तो देख के एकदम आराम से आप पहुंचना, और वेरी केयरफुली, क्योंकि ये जंगल वाले रोड है, एकदम मिट्टी वाले रोड। फिर स्कूटी रख के आपको थोड़ा पैदल भी जाना पड़ता है। तो फिर हम पहुंच गए बटरफ्लाई बीच, और ये काफ़ी खूबसूरत ब्यूटीफुल बीच है। यहाँ पे आप रील्स, वीडियो, फोटो काफ़ी सारे क्लिक कर सकते हो, और यहाँ से भी आप साइट सीन कर सकते हो। तो यहाँ से बोट जाती है साइट सीन करवाने के लिए। तो पर हेड 300 करके चार्ज करते हैं। हम लोग 2% थे, तो हमने 2% का 500 दिया था। तो यहाँ से बोट आ गई है हमारी। तो बोट से आपको दिखाया जाता है हनीमून बीच। एक टर्टल शेप एक स्टोन है, एक फुटप्रिंट शेप स्टोन है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाया जाता है। तो ये जर्नी काफ़ी ब्यूटीफुल होती है, काफ़ी मज़ेदार भी। तो ये है टर्टल शेप एक स्टोन, जो कि आपको एकदम समुंदर के बीच में देखने को मिलता है, और समुंदर के बीच में से आपको घुमाया जाता है बोट से। तो काफ़ी मज़ेदार है ये ट्रिप, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। देन उसके बाद आप थोड़ा बटरफ्लाई बीच को ऊपर से आराम से आप व्यू देख सकते हो, मतलब कमाल की व्यू है, टॉप व्यू आप देख सकते हो। फिर निकल पड़ो आप काबो दे रामा फोर्ट के लिए, बट वो काफ़ी दूर है, तो आप पहले अपना लंच कंप्लीट कर लेना। जैसे ही आप अपना जंगल वाले रोड कंप्लीट करते हो, मेन रोड पे आते हो, वहीं पे आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएगा, तो वहीं पे अपना लंच कंप्लीट कर लेना। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना, क्योंकि 4 बजे के बाद आपको लंच कहीं पे भी मिलने वाला नहीं है, तो 4 बजने से पहले आप अपना लंच कंप्लीट ज़रूर कर लेना। फिर पहुंच जाओ आप काबो दे रामा फोर्ट। तो काबो दे रामा फोर्ट भी आपको 5 बजे से पहले पहुंचना है, क्योंकि 5 बजे के बाद वहां पे एंट्री बंद हो जाती है। तो बटरफ्लाई बीच से काबो दे रामा फोर्ट पहुंचने में 1 घंटा लग ही जाता है, तो उस हिसाब से अब जल्दी जल्दी निकल जाना। तो काबो दे रामा फोर्ट विजिट करते ही आपको यहाँ पे एक चर्च मिलेगा, काफ़ी ब्यूटीफुल चर्च है। वहाँ पे विजिट करने के बाद आपको एक ब्यूटीफुल बीच मिल जाएगा देखने के लिए। तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, बट नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर है। तो ये फोर्ट काफ़ी हिस्टोरिकल है, अगर आपको इसकी हिस्ट्री जानना है तो आप एंट्री होते ही आपको बोर्ड दिख जाएगी, तो वो आप आराम से पढ़ सकते हो, और पढ़ के इसकी हिस्ट्री भी आप जान सकते हो। तो ये विजिट करने के बाद अगर आप यू टर्न करके दूसरी साइड जाते हो, वहाँ से भी टॉप व्यू आपको एक बीच पॉइंट देखने को मिलेगा, जो काफ़ी ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे आप रुक भी सकते हो, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स वगैरह भी है, और काफ़ी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल होटल्स है, अगर आप नेट पे सर्च करो तो आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हो। फिर आप चले जाओ साउथ गोवा की ब्यूटीफुल सनसेट देखने के लिए कोला बीच, जो काफ़ी फेमस है कोला बीच। और ब्यूटीफुल रास्ते को देखते हुए, ब्यूटीफुल नज़ारा देखते हुए आप पहुंच जाओगे कोला बीच, ये रास्ते में ही पड़ता है। उदरामा फोर्ट से आप पालोलॉन्ग बीच जब रिटर्न आओगे, उसी रास्ते में ही ये पड़ता है, तो आप आराम से विजिट कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल सनसेट आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप अपना सनसेट देखो, अपना डे की एंड यही पे करो, डे टू की ट्रिप यही पे कम्प्लीट करो।
पूरा दिन यहाँ वहाँ ट्रेवल करने के बाद अब आराम से कोला बीच आके बैठ के अब रिलैक्स कर सकते हो। यहाँ पे चाय पकोड़ा सब कुछ आपको मिल जाती है, पर एक ही स्टॉल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आप आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो अपना। तो मुझे भी बहुत भूख लग गई थी तो मैंने भी चाय पकौड़े ऑर्डर करके खा लिया और अपना कीमती टाइम मतलब यहाँ पे स्पेंड किया। बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल बीच है ये। यहीं पे आप अपना डे टू की ट्रिप कंप्लीट कर लो और फिर होटल पहुंच जाओ आराम से। तो डे थ्री में आप थोड़ा अपनी लाइफ में कुछ एडवेंचर्स कुछ कर लो, मतलब बीचेस एंड ऑल, ये सबसे बहुत दूर एक ऐसी जगह मतलब जहाँ पे आप जाओगे आप काफ़ी इंजॉय भी करोगे और आपको डर भी लगेगा थोड़ा बहुत, है ना। तो कहाँ जा रहे हैं हम, तो आप सावरी वाटरफॉल्स विजिट कर सकते हो डे थ्री में। तो सावरी वाटरफॉल्स एकदम जंगल के बीचों बीच, मतलब आपको पहाड़ क्रॉस करके बहुत दूर जाना पड़ता है, मतलब साउथ गोवा की बहुत दूरी है आप बोल सकते हो, पलोलम बीच से काफ़ी टाइम लगता है और जंगल के बीचों बीच रोड है। आप अगर स्कूटी या बाइक से जाते हो तो बहुत ही एडवेंचर होने वाली है ये ट्रिप आपकी। तो सावरी वाटरफॉल्स जाने से पहले आपको रोड में मिल जाती है बबलिंग लेक, जो काफी इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि बबलिंग लेक में अगर आप कोई भी क्लैप करते हो या कुछ भी शोर हो तो वहां पे बबल्स फॉर्म करते अपने आप। और ये बबल क्यों फॉर्म करते, एक्चुअल रीजन क्या है, ये आज तक किसी को नहीं पता। तो आप भी अगर जानना चाहते हो कि एक्चुअल में है क्या इसकी राज, तो आप भी यहाँ विजिट कर सकते हो। एकदम फ्रेश वाटर लीक है और यहाँ पे काफी सारे आपको टाइगर फिशेस देखने को मिलेगा। तो अगर आप फ्री में पेडिक्योर करवाना चाहते हो तो यहाँ पे आके आराम से पैर पानी में रख के बैठ जाओ, आपको फ्री में पेडिक्योर मिल जाएगी। और यहाँ पे एक मंदिर भी है और इसकी कुछ हिस्ट्री भी है, मुझे तो थोड़ा बहुत मतलब इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है इस मंदिर के बारे में, तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो हमें। लेकिन दोस्तों आप जब भी यहाँ पे विजिट करते हो तो ये लेक में क्लैप करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जब भी क्लैप करते हो तो इसकी जो बबल्स है उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो है ना इंटरेस्टिंग, मैं तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट थी मतलब इसे देखने के लिए, तो मैं फाइनली यहाँ पे जब आई और मैंने क्लैप किया तो मुझे बबल्स दिख गई, मतलब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी आप देख सकते हो। और बबल्स एकदम नेचुरल फॉर्म होते हैं और यहाँ पे वाटर जो है वो एकदम क्लियर वाटर है आप देख सकते हो। और लेक के बीचों बीच एक शिव जी का त्रिशूल भी रखा हुआ है, वो भी आपको दिखेगा। फिर आप बबलिंग लेक विजिट करने के बाद सीधे पहुंच जाओ सावरी वाटरफॉल्स के लिए। तो सावरी वाटरफॉल्स बबलिंग लेक से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 to 6 किलोमीटर ही है, तो इसके बाद आप आराम से पहुंच सकते हो, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो बबलिंग लेक और सावरी वाटरफॉल्स दोनों ही पड़ता है नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और जब भी आप यहाँ एंटर होते हो, ये एंट्री गेट है और यहाँ पे आपको 250 चार्ज किया जाता है 2% के लिए बाइक या स्कूटी के लिए, तो आपको 250 पे करना पड़ेगा फिर आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो दोस्तों ये एंट्री गेट जब भी आप क्रॉस करते हो तो इसके बाद जो जंगल पड़ता है तो ये बहुत ही डीप फॉरेस्ट है, ये देख सकते हो आप, जगह जगह एनिमल्स के लिए पानी की जगह रखा गया है, बनाया गया है, तो एनिमल्स भी आपको दिख सकता है अगर आप लकी हुए तो, बट केयरफुली। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं सावरी वाटरफॉल्स। दोस्तों अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वाटरफॉल्स मिल जाते हैं देखने के लिए, बट सावरी वाटरफॉल्स सबसे नज़दीकी पड़ता है, तो आप सावरी वाटरफॉल्स आराम से विजिट करके रिटर्न जा सकते हो।
तो दोस्तों अगर आप सावरी वाटरफॉल्स अपनी लिस्ट में रखते हो तो जिस दिन भी आप लिस्ट में रखते हो जल्दी जल्दी निकल जाना सुबह सुबह, क्योंकि अगर आप लेट हो जाते हो तो आपको रिटर्न आने के टाइम पे दिक्कतें आ सकती है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सावरी वाटरफॉल्स। अगर आप बरसात के मौसम के बाद यहाँ पे विजिट कर सकते हो तो इसकी जो लुक आपको देखने को मिलेगा गाइस, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते, अलग ही लुक होती है इसकी। तो जो कि मैं मई के महीने में यहाँ पे विजिट किया था तो ज्यादा पानी नहीं था, तो अगर आप मतलब बरसात के बाद आते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे, मतलब ये जो पत्थर आपको दिख रहे ये भी पानी से भरा हुआ होता है, तो आपको अलग ही देखने को मिलेगा। और दोस्तों अपने साथ आप अपने एक्स्ट्रा कपड़े और स्नैक्स वगैरह रख लीजिए, पैक करके लाइएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे कोई शॉप्स कोई रेस्टोरेंट नहीं है तो आपको खाने की दिक्कतें आ सकती है। तो यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद हम जा रहे बेस्ट सनसेट देखने के लिए। और दोस्तों एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, मैं तो चाह रही थी मतलब जल्दी जल्दी यहाँ से निकलने का, क्योंकि सन भी डाउन हो रहे थे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भी डर भी लग रही थी, क्योंकि ये एकदम घने जंगल थे, सुरोशनी भी ठीक तरह से नहीं पड़ती, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी आपको देखने को मिल जाता है, तो केयरफुली आप यहाँ पे विजिट करिएगा। तो इसके बाद चलते हैं घने जंगल के डर खत्म करके फाइनली एंजॉय करने बेस्ट सनसेट देखने अगोंडा बीच। अगोंडा बीच जाके आप अपना बेस्ट सनसेट देख सकते हो, यहाँ पे सनसेट काफी ब्यूटीफुल है और आप अपना टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। और यहाँ पे रहने का मतलब स्टे करने का भी जगह है, अगर आप चाहते हो इस बीच पे स्टे करना तो आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो, काफी ब्यूटीफुल बीच है। अगोंडा बीच पे आप ब्यूटीफुल सन के साथ काफी सारे फोटोज वीडियोस क्लिक कर लो। यहाँ पे फोटोज के लिए ब्यूटीफुल लोकेशन से, और ये जो बड़े पत्थर थे और यहाँ पे जब पानी मतलब पानी जब आ रहे थे नजदीक तो काफी ब्यूटीफुल लग रहा था, और काफी सारे फोटोज वीडियोस भी आप क्लिक कर सकते हो यहाँ पे, तो मैंने भी किया था। और आप सन को देखो, कमाल की लुक है। और इसी सनसेट के साथ आपका डे 3 एंड हो जाती है। तो डे 4 में आप अपने लिस्ट में रख सकते हो दूध सागर वाटरफॉल्स। चेन्नई एक्सप्रेस में हम सभी ने देखा है इस वाटरफॉल्स को और काफी ब्यूटीफुल है, तो इस दिन आप और कहीं विजिट नहीं कर सकते क्योंकि ये काफी दूर है, आने जाने में 5 घंटा आपको लग जाता है, तो 5-6 घंटा तो आपका टाइम स्पेंड हो ही जाएगा, आधा दिन निकल जाएगा, तो वापस आके आपको पैकिंग करके निकलना भी है। तो इसीलिए ओनली दूध सागर वाटरफॉल्स ही आप विजिट कर सकते हो डे 4 में, फिर उसके बाद आप वापस आके पैकिंग करके निकल जाओ अपने घर के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है आपकी जर्नी और भी आसान करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो ये है हमारे फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज, तो हमें फॉलो कीजिए और भी डिटेल्स एंड अपडेट के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि हमें इंस्पिरेशन मिलती रहे।